यू आर वेरी हॉट, मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे? अरे देखिए ना, आपका फ्रेंड तो बहुत शर्माता है, देखिए कुछ खा ही नहीं रहा है। एक्सक्यूज मी गाइस, मैं बात करके आता हूँ, तुम लोग इंजॉय करो। जी भाभी, ये कैसी हरकत है? आप मेरी दोस्त की वाइफ हो, मेरी भाभी हो, ऐसे घटिया हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आती? अरे तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तुम इतने हॉट एंड हैंडसम कि कोई भी लड़की तुम्हारे प्यार में पड़ सकती है, और प्यार का कोई एज नहीं होता, इसमें मेरी क्या गलती कि मैं मैरिज हूँ? क्या हुआ, बड़ा सीरियस माहौल बना रखा है, पर तू खाना छोड़कर क्यों उठ गया है? भाई ये देख बड़े से भाभी कैसी घटिया हरकत कर रही है। अनु क्या ये सब? मैंने नहीं लिखा ये सब। अनु झूठ मत बोलो मुझसे, मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छे से पहचानता हूं। तुमने मेरे दोस्त के साथ ऐसी घटिया हरकत करके मेरा सर शर्म से झुका दिया। बेबी तुम जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हूं मैं, तुमको समझा दी। भाभी अब सफाई देने को कोई फायदा नहीं, आपको क्या लगा था आप अपनी अदाओं से अपनी खूबसूरती से मुझे फंसा लोगी? अरे हम बचपन का दोस्त है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है हमने, किसी भी लड़की की वजह से हम अपने दोस्ती में दरार कभी भी नहीं पड़ने देंगे, समझिए आप? अनु मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे दोस्त को देखकर तेरी नीयत खराब हो गई। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुझे किसी और के प्यार की जरूरत पड़ गई? पता नहीं वो कौन सा मनुष्य दिन था जिस दिन मैंने तुझसे शादी की। और भाई तू इस लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। हाँ भाई, लेकिन लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तू मेरा दोस्त है, अगर तू चाहता तो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करके मुझे धोखा दे सकता था, लेकिन तूने इसका सच सामने लाकर ये साबित कर दिया कि तू मेरा सच्चा दोस्त है, तेरे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। भाई तेरी दोस्ती अनमोल है, मैं इसे यूं ही नहीं खोने दूंगा, अगर मैं यहाँ पे होता तो इस लड़के से तेरी शादी कभी नहीं होने देता, समझा तू? सॉरी यार, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे भाई, अरे हमने तेरे साथ मजाक किया था। भाई ये सब क्या चल रहा है, और तुम लोग हंस रहे हो, अरे क्या बात है मुझे तो बताओगे? अरे देख लिया हा? मेरा दोस्त कितना लॉयल है, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। भाई देख मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अरे बताओगे क्या चल रहा है ये सब? अरे रिलैक्स, आप बैठ जाइए शांति से, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक्चुअली इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे और इनके बिजनेस पार्टनर भी थे, उन्होंने इनको धोखा दे दिया, उसके बाद इनके बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और तब से मैं इनको किसी दोस्त से मिलने नहीं देती, मैं ही ताना देती रहती हूँ कि आपके दोस्त ऐसे हैं वैसे हैं। ये मुझे बोल रहे थे कि नहीं, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मैंने नहीं माना, और होपफुली आज आप इन्हें मार्केट में मिल गए और हम लोगों ने प्लान किया आपको रात को डिनर पे इनवाइट किया। सॉरी ये जस्ट आपका लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे जिसमें आप पास हो गए, ये जस्ट एक प्रैंक था, सॉरी। भाई लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तूने भी छुपाया ये सब। अरे भाई बैठ, मुझे तो पूरा भरोसा था तेरे पर, बस अनु को हमारी दोस्ती का लाइव डेमो दिखाना था। लेकिन भाई ये प्रैंक मुझे हमेशा याद रहेगा, और भाभी आप आज मुझे सच में डरा दिया। भाई ये सजा थी, इतने दिन जो बाद मिल रहा है हम लोगों से कम लाइफ में कुछ तो फन होना चाहिए। चल खाना खा।